आज हम लोग नया पाठ जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें गांधी जी का नाम सुना है? क्या सुना है? कुछ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का नाम सुना है? इनको आप और किस नाम से जानते हो? मोहनदास करमचंद गांधी और बापू, मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से, और हम लोग इनको बापू के नाम से भी जानते हैं। इनको क्या था, कुछ लोग बाद में हमारे भारत के लोग इनको बापू के नाम से जानते बोलने लगे थे। क्यों बोल बापू? क्योंकि इनको सब लोग बहुत प्यार करते थे। हमारे देश के मालूम है कौन थे देश के राष्ट्रपिता? क्या थे ये हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। ये जो पाठ आज हम लोग पढ़ेंगे, इसमें गांधी जी की ने अपने बारे में लिखा है। क्या है, इन्होंने अपने बारे में कुछ चीजें बचपन की बताई हैं। आप लोगों ने कभी पता है, आप अगर अपने बारे में लिखो, कभी किसी को लगता है कि अपने बारे में लिखूं? किसको लगता है कि मैं अपना बचपन, जैसे आज जो कुछ होता है तुम्हारे साथ, मन करता है लिखने का? कोई लिखता है उसको? वैसे मालूम है लिख सकते हो, एक कॉपी बना लो और उसमें जो कुछ हो रहा है तारीख के साथ, कोई घटना हुई अगर किसी दिन बहुत ऐसी, आप उसमें लिख सकते हो। तो ये जो हम लोग का पाठ है, जब मैं पढ़ता था, ये गांधी जी ने अपनी जीवनी लिखी है। जीवनी मतलब जो उनके जीवन से संबंधित बातें हैं, वो उसका जिक्र इन्होंने उसमें बताया है। इसमें उन्होंने उसका जिक्र किया है, अपने जीवन से संबंधित बातों का इन्होंने इसमें जिक्र किया है, बताया है क्या क्या उनके साथ हुआ था। किसी को याद है, हम लोग की 2 अक्टूबर को छुट्टी होती है? क्यों होती है? गांधी जी का उस दिन जन्मदिन होता है। जन्मदिन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? जन्मदिन। क्या तारीख है? 2 अक्टूबर। और सन मालूम है किसी को? 2008। 1869 वेट, रुक जाओ, 1869 सन 1869 में इनका जन्म पोरबंदर में। पोरबंदर एक जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या था, किसी ने पढ़ा है कभी? इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। इनके पिता का क्या नाम था? हाँ, और मोहनदास अपने पिता का नाम साथ में लगाते थे, इसीलिए मोहनदास इनका नाम था और अपने पिता का नाम लगाते थे, तो मोहनदास करमचंद गांधी। कई जगहों पर अभी भी ऐसा होता है, पहले अपना नाम फिर अपने पिता का नाम लगाते हैं, और फिर आपका जो भी सरनेम, जो भी आपकी जाति होती है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इनका नाम, इनके पिता का नाम था, पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। और इनकी माता का नाम पुतलीबाई। इनकी माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। पुतली,
रहे, ये पढ़ने का बहुत शौक था। क्या था इनको? पढ़ने का बहुत शौक था गांधी जी को। और इनकी माँ जो थी, इनकी माता का क्या स्वभाव था कोई बता सकता? बहुत वो पूजा पाठ बहुत करती थी। किसकी किसकी माँ करती है पूजा पाठ बहुत? वैसे तो पापा भी बहुतों के करते होंगे, पापा भी करते हैं? दोनों हाथ उठा दिए मम्मी पापा। ठीक है, तो इसी तरह से इनकी मम्मी माता को भी पूजा पाठ का बहुत शौक था, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती थी। और वो सच्चे दिल की थी, बहुत सीधी सादी घरेलू और सच्चे दिल की महिला थी। बहुत सही कम बोलती थी, ज्यादातर समय किसमें बिताती थी? पूजा पाठ में। और इनके पिताजी का क्या शौक था? पढ़ने का था। और हमेशा वो सच बोलते थे, बहुत न्याय की बात करते थे, न्यायवाद बहुत सही न्याय करते थे। पिता जो थे बहुत न्याय प्रिय थे, उनको न्याय बहुत पसंद था। कभी वो किसी के साथ, न्याय का उल्टा क्या हो सकता है बताओ? अन्याय का मतलब क्या होता है? न्याय का मतलब वो किसी के साथ गलत ना हो, जो सही है। अन्याय मतलब गलत हो जाए किसी के साथ, कि इसने नहीं, उसने कुछ गलत नहीं किया फिर भी उसकी पिटाई हो गई। होती है ना कई बार, तो लगता नहीं कि अन्याय हो गया हमारे साथ? किसी को ज्यादा मिलता है, भाइयों को, किसके किसके घर में ज्यादा दूध होता है तो भाइयों को मिलता है? किसके किसके घर में ऐसा होता है कि दूध है आया घर में, थोड़ा सा बचा है, तुम्हारा मन भी कर रहा है और भाई का मन भी कर रहा है, तो किसको मिलता है? मम्मी किसको कहती है दो? क्यों करती है ना? मगर तो कई बार मन में आता है कि अन्याय है, क्यों हमको क्यों नहीं? मिठाई के साथ भी होता है। मम्मी अपना हिस्सा किसको देती है ज्यादातर? भाई को दे देती है ना। कैसा लगता है? बुरा लगता है, अच्छा लगता है? मन करता है दो लगा के छीन ले? मन तो करता है एक मारूं उसको, भाई को, और छीन लूं। या मम्मी पर भी गुस्सा आता है? क्यों भाई, मम्मी क्यों ऐसा क्यों करती? और अब पूछा करो, अगर मम्मी अब ऐसा करती है तो पूछा जरूर करो कि ऐसा क्यों? मारने लगती है अगर पूछते हो तो? क्या कहती है पिटाई? और क्या बताती है तुम पूछती हो? अगर आप पूछती हो कि क्यों मम्मी, हमको क्यों कम, उसको ज्यादा, क्यों भाई को, तो क्या कहती है? कुछ कहती है कि नहीं? कहती भी नहीं है, पिटाई शुरू कर देती है। दीदी पिटाई करती है। मगर बताओ ये बच्चों, मम्मी के साथ भी ये हुआ होगा जब मम्मी छोटी रही होंगी, है ना? जब वो अपनी भाई बहनों के साथ होती होंगी तो उनकी मम्मी ने भी यही किया होगा, और मम्मी को पता है कि ये गलत है पर मम्मी करती है। अब पूछा जरूर करो, ये अन्याय क्यों, ये गलत बात क्यों कर रही हो भाई, हम किस चीज में कम है? ठीक है, तो इनके पिता जो थे वो बहुत न्याय पसंद करते थे, न्याय प्रिय थे, सच्चाई बहुत सत्य प्रिय, सत्यवादी थे। इनको ये सत्य प्रिय, न्याय प्रिय मतलब क्या हुआ पता है? पसंद करते थे न्याय को, सबके साथ ऐसा पसंद करते थे, हमेशा सब सच बोले उनको पसंद था। ठीक है, उनको ये भी पसंद था कि कोई झूठ बोल रहा है तो कभी भी उसको वो पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से गांधी जी को भी सच्चाई बहुत पसंद थी, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को देखा था। हम लोग किससे सीखते हैं सबसे पहले? हम लोग किससे सीखते हैं? अपने मम्मी माता पिता से सीखते हैं। तो वही चीजें जो माता पिता आपके आपको सिखाते हैं या बताते हैं, वही चीजें सबसे ज्यादा सही लगती हैं, क्योंकि गांधी जी की माता जो थी वो भी बहुत उदार और सच्ची दिल की थी, और पूजा पाठ पर बहुत विश्वास रखती थी, धार्मिक विचारों की थी, बहुत सीधी साधी महिला थी। पिता जो थे वो भी सच बोलते थे और
न्याय पसंद करते थे, सच्चाई पसंद करते थे और बड़े गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते थे। उनको गलत बात नहीं पसंद थी, बहुत साहसी भी थे। साहसी किस तरह से कहेंगे कि उनको गलत बात सुनना या गलत बात किसी के साथ कुछ हो, ये बात भी इनके पिताजी को, गांधी जी के पिताजी को पसंद नहीं थी। ठीक है, तो इसी वजह से, इन्हीं सब कारणों से क्या हुआ कि इनकी जो गांधी जी की जो खुद बने मोहनदास जी थे, उन्होंने क्या क्या चीजें सीखी? न्यायप्रिय होना सीखा, सच्चाई सीखी और साहसी बने। गलत बात अंग्रेजों से वो लड़े थे क्योंकि उन्होंने साहस दिखाया था, तभी तो अंग्रेजों से लड़ पाए होंगे। डरपोक होते तो लड़ सकते थे अंग्रेजों से। बस तो क्योंकि उन्होंने कभी डरते नहीं थे, निडर थे, उनको किसी चीज का डर नहीं था क्योंकि वो सच्चे थे। डर क्यों नहीं था? क्योंकि सच्चे थे, सच्चाई का साथ दे रहे थे, इसीलिए वो डरते नहीं थे। तब उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई करी और देश को क्या आजाद कराया। फिर उनके पिताजी उनके लिए बहुत सारी कहानियां उनको सुनाते थे, किताबें बहुत लाते थे और उनको बहुत सारी कहानियां सुनाते थे। एक उनको बहुत पसंद थी कहानी, श्रवण पितृभक्ति एक किताब थी जिसको वो पढ़ते थे। उसमें क्या था, इस श्रवण पितृभक्ति जो थी, एक पुस्तक थी जो इनके पिताजी ने इनको ला के दी और इसमें श्रवण कुमार की कहानी थी। पतली सी किताब थी जिसमें, जिसको उन्होंने पढ़ा, उसमें श्रवण कुमार की कहानी थी। श्रवण कुमार की कहानी किसी को थोड़ी बहुत पता है? क्या था श्रवण में, बता, श्रवण कुमार की में बताओ। जोर से थोड़ा बोलो खड़े होके। चलो हम बताते हैं, श्रवण कुमार जो थे एक बालक था, इनके माता पिता दोनों जो थे वो अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था। पर एक बार उनके पिताजी ने ये इच्छा जाहिर करी, इच्छा बताई अपनी कि हम चाहते हैं कि हम तीर्थ यात्रा पे जाएं, हम धाम, सारे धाम होते हैं, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, सारे मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं, हमारी बहुत इच्छा है। तो श्रवण कुमार ने क्या कहा कि ठीक है, अपने माता पिता को बोला कि कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को दोनों को दर्शन, सारे तीर्थों के दर्शन कराऊंगा। ठीक है, तो श्रवण कुमार ने अपने पिता को, माता को, आपने कभी वो देखा है तराजू जैसी जो डलिया होती है जिसमें एक डंडा होता है ऐसा, और यहाँ पर एक डलिया, एक इधर और यहाँ पर बीच में श्रवण कुमार जो थे वो इसको पकड़ते थे बीच से अपने कंधे पर। ठीक है, और ये अपने कंधे पर इसको खींचते थे और यहाँ पर इनकी माता एक तरफ, माता एक तरफ, पिता को बैठा करके। आप लोग कर सकते हो ऐसा? ये सोचो, माता पिता को दोनों को आगे, एक को पीछे, इस तरह का ठेला, इस तरह की डलिया लेके कौन निकलता है? कभी देखा है किसको निकलते हुए देखा? हाँ, सिंघाड़े वाले, सिंघाड़े वालों को देखा है ना, उनकी डलिया भी इसी तरह का बंधा रहता है, डंडा होता है, आगे एक डलिया होती है, एक पीछे डलिया होती है और एक और होता है, बताओ, जामुन वाला भी होता है और मछली वाले भी होते हैं। कई बार मछली जो जो खाते होंगे उनको पता होगा, मछली वाले भी होते हैं वो इस तरह से। पर सोचो वो दो, अपने माता पिता दोनों को लेके, दोनों को लेके चलना अपने इस पे बैठा करके, आसान काम है? दोनों को उन्होंने कहा श्रवण कुमार ने कि मैं आप दोनों को अपने
दोनों को सारे तीर्थों का स्थान दर्शन कराता हूँ, दोनों को लेके चले और घुमाया उन्होंने तीर्थों में। अब आप ये सोचो कि इस तरह की कहानी सुन के आपको क्या लगता है, अच्छा लगता है? किसके लिए अच्छा लगता है? क्या लगता है कि कौन अच्छा था? श्रवण कुमार अपने माता पिता का कितना भक्त था, कितना ख्याल रखता था, कितना ध्यान रखता था। आप लोग क्या करते हो, जवाब देते हो? देते हो? मम्मी पापा कुछ कहते हैं उल्टे सीधे जवाब किसके किसके मुंह से निकल जाता है, निकल जाते हैं ना? मम्मी कुछ बोली आपने फटाक से जवाब दिया बिना सोचे समझे दिया ना। ये सोचो ये श्रवण कुमार जरा सा बच्चा कितना उसने तीर्थों का स्थान इनको दर्शन कराए, सारे तीर्थ स्थान घुमाए। तो इस तरह की कहानी सुनने के बाद गांधी जी को क्या हुआ, अपने पिता से बहुत, उनको भी पिता के प्रति बहुत ज्यादा पिता के भक्त हो गए थे, अपने पिता की वो बहुत सेवा करना चाहते थे, चाहते थे कि वो खूब सेवा करें अपने पिता की, वो खूब उनके लिए जो जो वो कर सकते हैं उनके पैर दबाएं या उनकी हर तरह से जो उनकी जरूरतें हैं उनका ध्यान रख सकें। और एक कहानी वो बहुत सुनते थे, एक और कहानी वो बहुत सुनते थे। दूसरी कहानी जो वो बहुत सुनते थे वो थी सत्यवादी हरीशचंद्र की। गांधी जी ने, अच्छा ये बताओ गांधी जी की पढ़ाई मालूम है आपको कहाँ हुई है? हाई स्कूल कहाँ से पढ़ा था किसी को ये पता है? अल्फ्रेड नाम के, अल्फ्रेड हाई स्कूल नाम के स्कूल से उन्होंने पढ़ाई करी थी। और बहुत ये इनको एक चीज का इनको और बहुत ज्यादा था, पहले इनको नहीं समझ में आता था ये बात, समझते थे बाद में उनको ये बात का ज्ञान हुआ, उनको उनकी हैंडराइटिंग, उनकी जो लिखावट थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है सुंदर लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? गांधी जी को पहले ये लगता था कि कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सुंदर ही लिखा हो तभी सबसे अच्छा होता। ठीक है, सही लिखा हो, सुंदर हो ना सुंदर हो, अच्छा लिखा हो ना लिखा हो, पर सही आपको पता हो, आपको ज्ञान होना चाहिए हर बात का। जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि सब आपने सुंदर लिखा हो। पर उनको बाद में धीरे धीरे जब इंग्लैंड में गए, वो इंग्लैंड गए तब उन्होंने जब दूसरों की लिखावट देखी ना, कैसे बोले जाते हैं, कैसे अक्षर होते हैं, मोती जैसे, मोती जैसे अक्षर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये कहावत है, ये एक तरह से कहावत होती है, मोती कोई नहीं अक्षरों में रख देता है, मगर जो सुंदर साफ सुंदर लिखा होता है उसको कहते हैं कि मोती जैसे अक्षर। तो जब उन्होंने दूसरों का काम देखा ना वहां पर कि इतना साफ इतना अच्छा, तब उनको लगा कि जरूरी है कि आपने जो भी कुछ लिखा है वो सुंदर भी लगे, कोई भी चीज आपने लिखी है उसकी लिखावट भी अच्छी हो और वो देखने में सुंदर भी लगे। ये बात उनको बाद में पता चली। आप लोग ये बताओ कौन कौन सोचता है कि हैंडराइटिंग अच्छी है, होनी चाहिए, लिखावट सुलेख कौन कौन करता है? सुलेख का मतलब मालूम है क्या? हैंडराइटिंग, एक पेज हैंडराइटिंग का सुलेख। और बहुत से बच्चों की बहुत खराब लिखावट है भाई, आपको पता है कई बार क्या होता है कि आपने इतना गंदा लिखा होता है कि उसको समझ नहीं पाते हैं, तो आपको वैसे ही नंबर कम हो जाते हैं ना जब आपकी समझ
लिखा क्या है? टीचर को, अध्यापक को समझ में नहीं आया कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, आप क्या कहना चाह रहे हो, तो क्या होता है? क्या होता है फिर? नंबर कम आते हैं। नंबर ऐसे कम नहीं आते, पर हो ये जाता है बच्चों कि जो आपने लिखना चाहा है वो इतना गंदा है कि टीचर जो है वो उसको पढ़ ही नहीं पा रहा है। फिर क्या करता है वो? पढ़ाई पढ़ाई काट देता है। वो उसने क्या किया? टक टक काटा या ऐसे लाइन बना दी। क्या लिखा है बेटा? इसीलिए हमेशा ध्यान रखो कि कोशिश करनी चाहिए हमें, और सब कर सकते हो, ये भी बात याद रखो। असंभव कोई चीज है? बिल्कुल नहीं है। कोई भी चीज जिसका आप प्रयत्न करोगे, जिसके लिए आप कोशिश करोगे, वो चीज कभी भी असंभव नहीं होती है। तो सुंदर लिखावट की सब कोशिश करेंगे? पक्की बात। बहुत से हम अभी नाम लेना शुरू करें तो जिनकी कॉपी में समझ में नहीं आता कि शुरू कहाँ किया, खत्म कहाँ हुआ। हाँ, सरिता है, अनीता है, देखो अपने आप बोल रहे हैं। हाथ ऊपर कर दो। हाँ, समझ में नहीं आता कि कहाँ से उत्तर लिख, प्रश्न किया उसी के साथ साथ उत्तर भी लिख दिया वहीं पर, जबकि सब आंटी समझा चुकी हैं कि कैसे करना होता है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अब आप लोगों को ये वाली कहानी पता है, सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानी से गांधी जी को बहुत प्रेरणा मिली थी। उसी से उन्होंने हमेशा सच बोलने का सोच लिया था कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये कहानी जो है हम लोग कल आपको, मैं आपको सुनाऊंगी। ठीक, कल सुनाए। अभी आप लोग अब होमवर्क लिख लोगे कि क्या है। गृह कार्य आपका है, शहर में हुआ था। अभी बहुत छोटा सा दे रहे हैं क्योंकि हम लोग कल खत्म करेंगे। गांधी जी के पिता का नाम बताओ। अच्छा, जल्दी से, अभी से भूल गए। करमचंद गांधी। माता का नाम? पुतली बाई। भूल गए। करमचंद गांधी। पुतली बाई। माता का नाम? इनकी जन्म तिथि